टीवी के पॉपुलर शो ये मेरी लाइफ है से सुर्खियों में आई शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। पर्सनल लाइफ अपडेट्स वे फैंस को पोस्ट के जरिए देती है। अपनी बोल्ड अदाओं से हमेशा फैंस को हैरान कर देने वाली एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने हाल ही में एक फोटो शूट करवाया है। इस फोटो में शमा पिंक कलर की बोल्ड बिकनी पहने नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने ब्लैक प्लेन शॉर्ट्स के साथ कैरी किया है। कानों में बड़े से हुप्स पहने हैं और बालों को कर्ली करके खुला रखा है। एक सिंगल रिंग से उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर शमा सिकंदर कैमरे में पोज देती नजर आ रही है। फोटो शेयर करते हुए शमा ने कैप्शन में लिखा, मैजिक इंसान के लिए टुकड़ों में आता है। फैंस को शमा सिकंदर का ये बोल्ड अंदाज और रूप काफी पसंद आ रहा है। एक फैन ने लिखा, एकदम गॉर्जियस। एक और फैन ने लिखा, खूबसूरत तो आप हैं ही, आज बोल्ड लुक में शानदार भी लग रही है। फोटो में शमा सिकंदर की टोन्ड बॉडी बखूबी देखी जा सकती है। एक्ट्रेस के कर्व्स काबिले तारीफ नजर आ रहे हैं। शमा अपने बेबाक अंदाज के लिए फेमस है। चाहे वे मीटू मोमेंट पर बोलना हो या फिर प्लास्टिक सर्जरी कराने की खबरों पर रिएक्ट करना, शमा हमेशा से ही अपनी बात को खुलकर रखती नजर आई है। शमा ने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। शमा ने बताया था कि उन्हें एक डायरेक्टर ने मोलेस्ट किया था, उनकी जांग पर हाथ रखा था। ये खतरनाक वाकया आज भी शमा को झंझोर देता है। शमा कहती है, उस वक्त वह 14 साल की थी और उसने सपने काफी बड़े थे। शमा अपनी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव से गुजरी है। साल 2016 में शमा सिकंदर ने बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझने की बात कही थी। ये भी बताया था कि कैसे उन्होंने इसकी वजह से एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। शमा जब मुंबई में आई थी तो यहाँ पर सरवाइव करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। शमा ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उस वक्त उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं हुआ करता था।